जयमा डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के पहाड़िया मोहल्ला में मौजूद हैं। कल जम्मू बंद रहेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कॉल दी गई है। आइए यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। सर, कल जम्मू बंद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, सर आप क्या दुकान बंद कर लेंगे कल या खुली रखेंगे? हम दुकान हमारी बंद है। मतलब आप बंद रखेंगे? ठीक है। इनका कहना है कि हम दुकान कल बंद रखेंगे। भैया जी, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल है, आप दुकान बंद रखेंगे या खुली रखेंगे? बंद ही रखेंगे भैया। बंद ही रखेंगे, इनका भी कहना है बंद ही रखेंगे। अब और भी दुकानदारों से बात करते हैं। आइए भैया, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं या दुकान बंद रखेंगे या खोलेंगे? हम समर्थन भी करेंगे और दुकान बंद भी करेंगे। दुकान बंद भी करेंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि इससे बेनिफिट होगा कोई? हाँ, अगर बंद रखेंगे तो बेनिफिट तो होगा ही। सर, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बंद की कॉल दी गई है, कल बंद रहेगा, आप दुकान खोलेंगे या बंद रखेंगे? सर, बंद करने से फ़ायदा क्या होगा? जी जी, क्या एक दिन बंद करेंगे तो गवर्नमेंट अपना फैसला पीछे ले लेगी कि हम नहीं खोलेंगे, जो भी स्टोर खोले नहीं खोलेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दुकान नहीं बंद रखी जाएगी, जो दिहाड़ी लगती है वो लगनी चाहिए? बिल्कुल सर, आगे 2 सालों से बंद बैठा हुआ है। इनका कहना जा तो हो ना कि एक दिन कल बंद होगा तो स्टोर नहीं खोलेंगे, ठीक है हम बंद कर देते हैं, क्या फ़ायदा एक दिन बंद करके? इनका कहना है कि अगर एक दिन बंद करने से स्टोर नहीं खुलेंगे तो शायद मैं बंद कर देता है, लेकिन मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी देरों के बाद हमने ये दुकान खोली है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन बंद नहीं रखेंगे। आइए और बात करते हैं किसी से। मास्टर जी, आप यहाँ बैठेंगे क्योंकि कल बंद है जम्मू? नहीं बैठेंगे, नहीं आएंगे। सर, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल है, तो आपका क्या विचार है कि कल बंद करेंगे दुकान या खुली रखेंगे? सर, जैसे लोग कहेंगे ऐसे ही करेंगे, जैसे हमारे प्रधान साहब बोलेंगे मार्केट में कि अगर बंद रखनी है तो बंद रखेंगे। मतलब जो जो आपके मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो निर्णय होगा कि अगर मार्केट निर्णय होगा वही आप। सर, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल है, आप दुकान कल बंद रखेंगे या खोलेंगे? बंद रखेंगे। बंद रखेंगे जी जी, इनका भी यही कहना है कि बंद रखेंगे। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल है, आपका ये पहाड़ी महल जो एसोसिएशन है, या आप मतलब क्या इसको समर्थन करेंगे, कल बंद रखेंगे दुकानें या खोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी एसोसिएशन पहाड़ियाँ मोहल्ला में आए और हमारे व्यूज़ ले रहे हैं। आप ऊपर से लेके नीचे तक देखो, आपको ग्राहक नहीं मिलेगा। इसके खुलने के बाद हमारा ग्राहक कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, तो हम इसका समर्थन नहीं करते। मतलब आप दुकान खोलेंगे कल? हाँ, हम खोल नहीं, हम समर्थन करेंगे चैम्बर का, हम क्यों खोलेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि आप चैम्बर का समर्थन करेंगे, आप मार्केट का समर्थन करेंगे हम, और कल मार्केट बंद रहेगा? बिल्कुल बंद रखेंगे। ठीक है, ये आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम रवि शर्मा। रवि शर्मा जी ने अपनी बात रख दी है। अब हमारे साथ यहाँ पर इस मोहल्ला या जो पहाड़ी मोहल्ला एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी भी मौजूद हैं। अनिल गुप्ता जी, एक चीज़ बताएं, क्यों बंद रखना है कल? पहले तो मैं आपके रफ्तार चैनल का धन्यवाद करता हूँ। कल इसलिए बंद करना है क्योंकि आगे भी हमें व्यापारी वर्ग कोरोना के कारण परेशान था, आज तो एक बड़ी समस्या जो जियो के रूप में खड़ी हो गई है। इसलिए मैं अनिल गुप्ता, प्रेसिडेंट ट्रेडर एसोसिएशन मोहल्ला पहाड़ी की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 22 सितंबर को बंद की कॉल का पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि ये हमारे व्यापार का प्रतिनिधि करते हैं। इससे बंद होने से गवर्नमेंट को ये पता चलेगा भाई व्यापारी क्या चाहता है। आज पहले इस मोहल्ले में इतना काम होता था कि यहाँ से निकलना मुश्किल होता था, आज आप हालात देखो कि जहाँ से कोई इक्का दुक्का ही आदमी चलते हैं और व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, क्योंकि वो 5-5 बजे तक बोन भी नहीं करता। अनिल जी, एक चीज़ बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल बंद रहेगा,
बंद काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो रिलायंस स्टोर्स जो खुल रहे हैं उनको लेकर है। जम्मू में 100 के करीब खुलेंगे, कश्मीर में 3 खुलेंगे। काफ़ी अच्छा भेदभाव किया गया है सरकार की तरफ से। पहले कश्मीर के पाले में ज़्यादा जाता था, जो भी जाता था, जम्मू को कम मिलता था, लेकिन इस बार जम्मू को ज़्यादा मिला है। जम्मू में 100 स्टोर खुलेंगे, कश्मीर में 3 खुलेंगे। इन केस अगर ये स्टोर खुल जाते हैं तो आपके हिसाब से किसे फ़ायदा होगा या किसे नुकसान होगा, और अगर नहीं खुलते हैं तो तब किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान होगा? अगर ये खुलते हैं तो कस्टमर को इससे फ़ायदा होगा, और जो होलसेल मार्केट है जैसे वेयर हाउस हो गया, कनक मंडी हो गया, इसका तो काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। अगर आपको एक चीज़ साफ़ सुथरी और कम रेट पे मिलती है तो आप इन मार्केट में क्या लेने आओगे? तो अगर नहीं खुले तो? अगर नहीं खुले तो कस्टमर को नुकसान होगा, और व्यापारियों तो पहले भी काम कर रहे हैं, आगे परेशानी से गुजरे हैं, उनको थोड़ी राहत तो होगी, भाई हम पहले जैसे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सर, एक बात कही जा रही है कि जो छोटे तबके के व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार हैं उन्हें नुकसान होगा, मतलब एक धारणा ये मार्केट में चल रही है। हम एक बात जानना चाहते हैं कि जैसे जम्मू में बेस्ट बाय खुला तभी विरोध हुआ, लेकिन छोटे दुकानदारों ने कार्ड बना लिए हैं, वहाँ से सामान लाते हैं और अपनी दुकान पर वो सामान बेचते हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। तो अगर आज जियो मार्ट खुल जाएगा तो फिर क्यों एतराज़ होगा छोटे दुकानदारों का? देखो, एक दुकानदार जो छोटा दुकानदार होता है उसकी पूंजी भी छोटी होती है, वो पूरी आइटम कर नहीं सकता। लेकिन जो लोग कहते हैं भाई वो वहाँ से माल लाते, कितना माल ले आएंगे, इससे फ़ायदा उसको बेस्ट प्राइस को ही है। छोटे व्यापारी को तो फ़ायदा तभी है अगर उनके पास ग्राहक सीधा आए और उधर बेस्ट प्राइस में नहीं जाए, इसलिए इनको छोटे बिजनेस नुकसान है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बाहर से पढ़ के आते हैं, इंजीनियरिंग करके आते हैं दूसरे, उनको तो नौकरियाँ मिलती नहीं, तो माँ बाप सोचते हैं भाई चलो आगे पैसा खर्च किया, इनको थोड़ी छोटा मोटा काम करवा देते हैं। और जब भी उनको दुकान पे बैठाते हैं कोई ना कोई शोशा आ जाता है। पहले कोरोना का आ गया, कोरोना ने पूरा काम ख़त्म कर दिया, अब ये जियो आ गए हैं। देखो, इस व्यापारी को तो परेशानी होती है भाई ये जियो क्या बीमारी है। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता जी, उनका कहना है कि पिछले 7-8 महीनों से जब से ये एसोसिएशन नहीं बनी है कि सरकार किसी ना किसी तरीके से जो आपका व्यापार है उसे डिस्टर्ब कर रही है, आप मानते हैं इस बात को? सर बिल्कुल, जो तो देखो आप श्रीनगर में 300 3 खुल रहे हैं, इधर 100 के अलावा कोई व्यापारियों को मतलब क्या राहत है इसमें? अगर व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, कोरोना के दौरान भी काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उसके ऊपर कोई और चीज़ मतलब आ जाए उससे, मतलब जिसको लोगों को उससे फ़ायदा, व्यापारी को नुकसान हो। सर, एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से वाइन शॉप ट्रेडर के साथ सरकार ने किया, नई पॉलिसी लाई, किसी को नहीं पूछा गया। अच्छा, और कई ऐसे मुद्दे थे जैसे अभी ये बार एंड जो रेस्टोरेंट हैं उनको, उन पर भी नकेल कसी गई है। जैसे अब आ रहा है जो ये जियो का, सरकार ने नहीं पूछा, आपसे वार्तालाप नहीं हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई वार्तालाप नहीं हुई, तो आप क्या लगता है कि आपकी जो एक दिन की स्ट्राइक से उससे सरकार पिछड़ जाएगी? सर देखो, कोशिश तो सभी करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा नेतृत्व करते हैं, सभी व्यापारी वर्ग का करते हैं। हम तो उन्होंने कोई कॉल दी है, कोई सोच समझ के ही दी है भाई कोई मुद्दा, हम तो उनके पीछे मतलब जो भी वो कहेंगे हम चलेंगे उनके, इससे ही हमारा हल होगा। क्योंकि अगर वो सरकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नहीं सुनेगी तो छोटे व्यापारियों की क्या सुनेगी? हम तो उनको पूरी सपोर्ट देंगे भाई, उनके पास पूरी पावर हो, वो गवर्नमेंट को फोर्स अपना जो भी काम हो उनसे निकाल सकें। रफ्तार जम्मू के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी एसोसिएशन को या जम्मू के जो व्यापारी हैं उनको? मैं एसोसिएशन और जम्मू के व्यापारियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी सपोर्ट दी है तो अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बंद की कॉल दी है वो हमारे लिए दी है, हम कहते हैं आप बढ़ चढ़ के उसका समर्थन करें। ये थे पहाड़िया मोहल्ला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी। इनका कहना है कि जो कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कॉल है जम्मू बंद की, जितना भी व्यापारी वर्ग है सब इस का सहयोग करें ताकि हमारी जो कल कॉल बंद की कॉल है सफल हो सके। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।